हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। इस वीडियो में अब हम करेंगे चैप्टर वन क्लास टेंथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये नंबर्स ये हुए हैं जो इंटीजर फॉर्म में है। सो इन इंटीजर से हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिसके लिए हम 12, 15 एंड 21 के क्या लेंगे? फैक्टर्स लेंगे। तो सबसे पहले हमें 12 के फैक्टर लेने पड़ेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, देखते हैं 12 के कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो 12 के फैक्टर लेंगे तो 12 सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 के टेबल में 6 पे आता है 12। उसके बाद फिर 6 2 पे जाएगा, आएगा 3, देन 3 3 से जाएगा, आया 1। सो 12 के कौन कौन से फैक्टर्स आए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? 2 2 एंड 3। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से जो हमारे फैक्टर्स आते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। जैसे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। तो 12 आया, तो इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमें नंबर दिया हुआ है 15, तो अब हम 15 के फैक्टर्स लेंगे। 15 के फैक्टर्स देखते हैं क्या आते हैं। 15 3 के टेबल में आता है 5 पे, 5 5 के टेबल में आता है 1 पे। सो 15 के फैक्टर क्या है? 3 एंड 5। तो हमने यहाँ पे 15 के फैक्टर लिख दिए हैं 3 एंड 5। इसके बाद हमारा इंटीजर गिवन है 21, तो हम 21 के फैक्टर लेंगे। 21 के फैक्टर लेंगे तो 21 3 के टेबल में आता है 7 पे, 7 7 से जाएगा 1। सो 21 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 एंड 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 21 के फैक्टर 3 एंड 7। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम में सबसे पहले इन तीन इंटीजर्स में जो जो कॉमन है उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो इन तीनों में 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 15 का फैक्टर भी है और 21 का फैक्टर भी है। सो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। जो नंबर तीनों नंबर में कॉमन हो हम सबसे पहले उसको लिख देंगे, और बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं हम उसको लिख देंगे एलसीएम में। 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 7। सो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 420। ठीक है, इसके बाद हम हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है? जो इन तीनों में कॉमन हो, जो फैक्टर इन तीनों में कॉमन हो, तो इन तीन इंटीजर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एलसीएम आया 420 एंड एचसीएफ क्या आ गया? 3 आया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें इंटीजर गिवन है 17, 23 एंड 29। तो 17 लिखेंगे सबसे पहले हम, और उसके फैक्टर लिखने हैं हमें। अब हम 17 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 17 तो 17 के टेबल में ही आता है, और किसी टेबल में तो आया 1, और 1 तो 1 से जाएगा। तो 17 के फैक्टर क्या हुए? 17 और 1। ऐसे ही 23 और 29 के भी कोई और फैक्टर नहीं होते हैं, तो इसका भी हमें एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 23 एंड 1, यही दोनों इनके फैक्टर्स हैं जिसके टेबल में ये आते हैं। 29 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका भी आएगा 29 एंड 1। सो अब इन तीन नंबर का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन तीनों में जो कॉमन हो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं सबसे पहले। तो 1 इन तीनों में कॉमन है, सो 1 को हमने हाईलाइट कर दिया। अब एलसीएम में सबसे पहले जो हाईलाइटेड नंबर है वो लिखते हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए नंबर लिखते हैं। तो बाकी बचे हुए नंबर का क्या है? 17 है, 23 एंड 29 है। तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए। अगर अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगी 11339। ऐसे ही हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम कॉमन नंबर लिखते हैं, तो अभी इन तीनों में 1 ही कॉमन है, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 1। सो सेकंड पार्ट में हमारा एलसीएम आया 11139
एंड HCF आया 1। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमें इंटीजर्स गिवन है 8, 9 एंड 25। तो हमें 8, 9 एंड 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो हम 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 8 2 के टेबल में आता है 4 पे, 4 भी 2 के टेबल में आता है 2 पर, 2 आता है 1 पे। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो इसलिए हमने इसको 8 के इक्वल रख दिया। ऐसे ही अब हम 9 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 9 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 9 3 पे आता है 3 के टेबल में। सो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 3 से जाएगा आया 1। सो 9 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 9 के आगे हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट हमारा है 25, 25 5 से ही जाएगा डायरेक्ट। सो 25 5 के टेबल में 5 पे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 5 5 से ही जाएगा आया 1। सो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। अब LCM के लिए सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के कॉमन नंबर्स लिख देते हैं। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो LCM में अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम कॉमन लिखते थे, कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्टली ये सारे नंबर लिख देंगे। पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा एक चीज बताते हैं, अगर 2 हमारा 3 टाइम्स है तो हम इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। जैसे 3 हमारा 2 टाइम्स है तो इसको 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इस ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने LCM लिख दिया, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 1800। इसके बाद अब हमें HCF निकालना है। अब इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो जैसे हमने सेकेंड पार्ट में किया था तो हम हमारा HCF 1 आता है। सो थर्ड पार्ट में हमारा LCM आया 1800 एंड HCF आया 1। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।